अरे मेरे शहजादो, मेरे बच्चों आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सो रहे हैं शायद अभी तक। क्या कॉलेज नहीं जाना इन लोगों ने? अरे क्यों कॉलेज नहीं जाना, देर से जाना होगा इसीलिए तो सो रहे हैं, वरना तो सुबह ही सुबह उठ जाते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, ये इनकलाब कब आया भाई? मैंने तो नहीं देखा कभी ने। अब क्या सुबह ही सुबह उठकर तुम्हें हाजिरी लगाएं? मेरे पास हाजिरी लगाएं ना लगाएं, अल्लाह के पास तो लगा लें, वरना सुबह उठने का कोई फायदा नहीं है शमा बेगम। अरे उठ जाते हैं मेरे दोनों बच्चे सुबह ही सुबह और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, ये तुम्हें किसने बताया? बताना किसने, खुद ही बताते हैं मुझे वो। तुम्हें तो हमेशा से चूना लगाते हैं ये दोनों। बस रहने दो रहने दो, हर वक्त मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने दो दो बेटे दिए हैं। होती ना चार चार बेटियां तो दोनों मियां बीवी कमाते, और फिर पाल पोस कर उन्हें बड़ा करो और वो भी ठेंगा दिखाकर ससुराल चली जाती हैं, खाली हाथ नहीं, जमा पूंजी सब लेकर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ने मुझे दो दो बेटे दिए हैं, पैसा कमाएंगे तो लाकर मेरे हाथ में रखेंगे। अरे बेटियां क्या है, बोझ है बोझ। क्या हो गया शमा बेग, बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, बोझ नहीं होती, और बेटों से ज्यादा खिदमत करती हैं वालदेन। मेरे तो दो दो बेटे हैं, खानदान में सर उठाकर चलती हूँ मैं। हाँ क्या हो गया शमा बेग, ये घुमंड है। बेटे और बेटियां अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आते हैं, उन पे इसी तरह से फख्र करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा तुम तो चुप करके बैठो भाई। अरे आ जाओ मेरे बेटो, जल्दी आओ। ये क्या भाई, तुम दोनों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? वो आज सिर्फ दो सब्जेक्ट की क्लास थी ना, तो हमने सोचा कि इतनी दूर क्या जाना, ऑफ कर लेते हैं। अच्छा किया भाई, क्या जरूरत है बिला वजह थकने की। एक तो अव्वल बात ये है कि कॉलेज का नागा नहीं करते, नंबर कटते हैं। अब आप अपने जमाने की बात ना करें, आजकल तो हफ्ते में सिर्फ दो क्लासें होती हैं, तो अटेंडेंस कौन देखता है? अरे बेटा इन्हें तो रहने ही दो, इन्होंने खुद तो कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, दसवीं पास करने के बाद अब्बा की दुकान संभालने बैठ गए बस। अम्मा जल्दी से नाश्ता दे दे, फिर हम दोनों को कंबाइंड स्टडी के लिए जाना है। वो क्या होता है? सारे दोस्त मिलके जब एक जगह बैठ के पढ़ाई करते ना, तो उसे कंबाइंड स्टडी कहते हैं। हाय सदके जाऊं, अल्लाह तुम दोनों को हासदीन की नजर से बचाए, वरना शगुफ्ता की नजर तो ऐसी काली है, ऐसे हसरत से देखती है मेरे दोनों बेटों को, खुद तो चार चार बेटियां पैदा करके बैठी है। तुम्हारे पास बेटों के कसीदे पढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है? हाँ तो क्यों ना करूं, अल्लाह ने दो दो बेटे दिए हैं और वो भी एक से बढ़कर एक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ भाई। चलो तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए खाना दे दो, देर हो गई। ला रही हूँ। सारा मोहल्ला गुन गाता है मेरे बेटों के, ऐसे नेक शरीफ, पांचों वक्त के नमाजी, ऊपर से पढ़ाई में भी तेज, बीकॉम कर लेंगे इस साल माशाल्लाह। भाईजान के बाजू हैं दोनों, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। करी ना ले, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आती। बस तुम तो हमेशा ऑलफॉल ही बकना। वैसे तुम्हारे बाजू बनने का ये मतलब नहीं है कि मेरे बेटे पढ़ लिख कर दुकानदारी करेंगे। कान खोल कर सुन लो, वो नहीं बैठेंगे तुम्हारी दुकान पर। हाँ तो क्या मलका जबत की कुर्सी पे बैठेंगे? बस तंस के तीर चलाने मत छोड़ना। तुम सुनाओ शगुफ्ता, बेटियों का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि आपको खुशी की खबर ये बतानी है कि सबा ने पूरे स्कूल में मैट्रिक में टॉप किया है, उसे स्कॉलरशिप मिला है। हाय हाय शगुफ्ता, टॉप करे या आसमान से चांद तारे तोड़ कर ले आए, रहेगी तो बेटी ना, बोझ बनकर रहेगी। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ, फिर ट्रक भर के जहेज देकर रुख्सत भी करो। वाह। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, बेटियां तो रहमत होती हैं। मुझे देखें ना आप, बेटियों के बाद तरक्की पर तरक्की मिली है, हमने अपने घर भी बना लिया है। अरे आसिम ऐसी तरक्की का क्या करना, बेटियां हैं बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगी, अगले घर रुखसत हो जाएंगी। बेटे होते तो बुढ़ापे का सहारा बनते। भाभी अल्लाह का सहारा चाहिए बस, और क्या है। वैसे हसरत तो होती होगी दूसरों के बेटों को देखकर।
वैसे शगुफ्ता, अब तुम भी ना आसिम को एक बेटा दे ही दो। तुम भी पता नहीं क्या क्या बकवास करती हो, ये शगुफ्ता के बस में? चलो तुम तो खाओ भाई। साथ की अम्मी कह रही थी कि तुम्हारी अम्मा कितनी खुश नसीब है जो तुम जैसे बेटे हैं उनके, पर ना मेरे बेटों ने तो नाक कटवा दी है, ना पढ़ाई में दिल लगता ना किसी काम में। बड़ी काली जुबान है उसकी, माशाल्लाह भी नहीं कहती। अभी नजर उतारती हूँ। अरे नजर बाद में उतार लीजिएगा, पहले पैसे दे दें। हाँ हाँ जरूर, मगर क्यों? वो सब दोस्त मिलके जा रहे हैं ना पिकनिक पे, तो 2000 रुपए फी बंदा ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे अब्बा से लेकर देती हूँ। वो मुझे बैंक जाना है, वो चेकबुक ला के दो मुझे। ला देती हूँ चेकबुक, पहले 4000 तो निकाल कर दे इन्हें बच्चों को। 4000 किस लिए? अरे मेरे बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पे जा रहे हैं? मगर इनके तो इम्तिहान होने वाले हैं। वो अब्बा तैयारी तो हमने कर ली है ना। क्या खाक तैयारी की होगी तुम दोनों ने, आज दिन तो छुट्टियां मारते रहते हो दोनों। अब्बा कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही तो इसलिए हम कंबाइंड स्टडी कर लेते हैं। क्या खाक कंबाइंड स्टडी करते होगे तुम? कब आते हो, कब जाते हो, क्या पढ़ाई करते हो? आज तक तुम दोनों ने मुझे कोई रिजल्ट लाके दिखाया है? तुम तो जैसे बड़े आलम फाजिल हो ना, तुम्हें रिजल्ट लाकर दिखाएं। नहीं, तुम बड़ा प्रोफेसर लगी हुई हो जो तुम्हें दिखाते और छुपाते हैं। अच्छा भाई बंद करो अपना ये लेक्चर, बच्चों को पैसे दो जाएंगे। कितने चाहिए? 4000। ये लो। उसने दो बेटे दिए मुझे, कुछ भी करेंगे ना कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जिनकी बेटियां होती हैं ना, जरा सी भी गलती कर ले ना माँ बाप के सर झुक जाते हैं। ये जो हर वक्त तुम अपने बेटे बेटे का दिखावा करती रहती हो ना, अल्लाह को ये बात बहुत बुरी लगेगी शमा। इससे तो बेहतर था कि अल्लाह ताला हमें बेटियां दे देता। तौबा 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 बोले, तौबा बोले। सुबह सुबह मुंह से ऑल फॉल बक रहे हैं आप। शमा भाभी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? वो मैं सादिया भाजी के कपड़े देने आई थी तो सोचा आपसे मिलती जाऊं। तुम अब तक कपड़े सी रही हो? तो भाभी और क्या करूं, सारा दिन घर में फारिग होती हूँ, कपड़े सी लेती हूँ, 4 पैसे आ जाते हैं। हाँ हाँ भाई, लड़कियों को खिलाने पिलाने और पढ़ाने के अलावा भी 100 खर्चे होते हैं। बनने संवरने का शौक होता है, जूते जेवर कपड़े सब चाहिए होता है उन्हें। नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटियाँ माशाल्लाह बहुत साबिर शाकिर, जो ला के देती हूँ हंसी खुशी पहन लेती, कोई जिद कोई फरमाइश करती नहीं है कभी। अरे फरमाइश हो ना हो फिर भी 100 झंझट होते हैं लड़कियों के, सब चाहिए होता है उन्हें। लेकिन लड़के 4 कमीजें 6 पतलूने गुजर गया साल, और बड़े साबिर होते हैं लड़के। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, वैसे भी बच्चों में समझदारी तो होनी चाहिए। किसी और में हो ना हो, मुझे मेरे बेटों का पता है, बड़े समझदार हैं, दिल लगा कर पढ़ रहे हैं, मुलाजमत करेंगे, अपने बाप दादा का नाम रोशन करेंगे मेरे बच्चे। तो वो आकिल भाई की दुकान नहीं संभालेंगे क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरे बेटे इतना पढ़ लिख कर दुकानदारी करेंगे क्या? पूरी 16 जमातें पढ़ाऊंगी, पढ़ने के बाद सरकारी महकमे में मुलाजमत करेंगे, अपने बाप दादा का नाम रोशन करेंगे। तुम्हारी तो हैं बेटियां, तुम्हें क्या पता हो, बेटियों से थोड़ी नस्ल चलती है, नस्ल तो चलती है बेटों से। तौबा है, कितना दिखावा करती है भाभी अपने बेटों का। क्या सोचने लगी, आओ ना बैठो, चाय पिलाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, वो मुझे एक काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, देर हो रही है, फिर कभी सही इंशाल्लाह। जल गई भाई, सच जो कह दिया। ये देख बेटा ये देख। हुँ? तेरे भाई की गर्लफ्रेंड नहीं है बिल्कुल। अबे ये कहाँ से मिली, ये तो मेरी क्लास की है। हाँ। मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की, तूने कैसे बढ़ा लिया? बस यार तुम्हारे भाई के जादू है ये, कल लेके जा रहा हूँ उसको फिल्म दिखाने। बड़ा चला के यार,
सुधर जा, अगर अब्बा को पता चले गया ना तो टांगे तोड़ देंगे। तो अब्बा को बताएगा कौन? तू? देख, तू मेरा भाई है, मुझे पता है, लेकिन मैं बता तो सकता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारी बहुत सारे राज है मेरे पास, याद है ना? देखो, राज तुम्हारे पास होंगे लेकिन जो मेरे पास है तुम्हारे पास। अरे वो क्या मेरा मुकाबला करेगी, ऊपर तले चार चार बेटियां पैदा करके बैठी है। जब भी यहाँ आती है ऐसी हसरत से देखती है ना मेरे बेटों को, तौबा है, मैं तो उसके जाते ही सदका देती हूँ, नजर उतारती हूँ, बड़ी काली नजर है उसकी। हाँ हाँ, तो क्यों ना अकड़ के चलूं, अल्लाह ने दो दो जवान बेटे जो दिए हैं। इस नागबद अंदेश को कैसे समझाऊं कि अल्लाह की दीवी नेमत का इस तरह से दिखावा करना और उस पर घमंड करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कब अल्लाह को किस वक्त इसकी बात बुरी लग जाए। अरे हमारा बुढ़ापा क्यों खराब होगा? बुढ़ापा खराब हो उनका जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे बेटों को, हमारा बुढ़ापा तो बड़े ही चैन से गुजरने वाला है। और उस शगुफ्ता को देखो, मुंह पे तो बड़ी मीठी बनती है लेकिन अंदर से जल जल मरती है। अरे बेटा जो ने पैदा कर सकी, अब भी मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी उसके यहाँ बेटी होगी। अरे भाई, औलाद नरीना उसके नसीब में कहाँ। हाँ चलो ठीक है हुस्ना, बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। हुस्ना का फोन था, अपने उमैर की इतनी तारीफ कर रही थी, रिश्ता करना चाहती है अपनी बेटी का उससे। रिश्ता? हाँ अभी इसकी तो पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है और ना ही नौकरी है। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी मुकम्मल हो सकती है, और उसे नौकरी की क्या जरूरत है, तुम्हारी दुकान है ना, अच्छा खासा गुजारा तो हो रहा है हमारा। फजूल की बातें मत करो शमा, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है, पहले उसको उसकी जिम्मेदारियां सिखाओ फिर करना शादी। मेरा बेटा बड़ा समझदार है, उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। हुस्ना की एक ही एक बेटी है, ट्रक भर के जहेज देगी, और लड़के को सलामी में कार बता चुकी है मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जहेज की लालच में शादी करोगी ना? अरे मैं क्यों लालच में शादी करूंगी, लोग मेरे काबिल बेटे को देखकर खुद लालच में रिश्ता भेज रहे हैं। अरे तुम तो बिल्कुल ही हवन्नक हो रहे हो, मैं कौन सा कल ही रिश्ता कर रही हूँ। मैं और लड़कियां देखूंगी, जहां से ज्यादा जहेज मिलेगा वहां करूंगी अपने बेटों का रिश्ता। सोने में तोल कर लड़की दे कोई, वहां सोचूंगी मैं। हाँ एक बात बताओ शमा, कब तुम्हारी ये लालच, कब तुम्हारा ये दिखावा खत्म होगा? कब तुम्हें अकल आएगी कि लड़कों की माँ होना कोई कमाल बात नहीं है? तुम इसलिए बोल रहे हो कि बेटे हैं तुम्हारे, बेटियां होती ना दो दो आसिम की तरह तो लग पते जाते तुम्हें। जाके पूछो अपने भाई से आसिम से, जिसकी दो दो बेटियां, उन्हें पाल पाल कर कमर झुक गई है उसकी, बूढ़ा हो गया है वो, पता नहीं कहां किन हवाओं में बैठे हो तुम। अल्लाह ने बेटे दे दिए, शुक्र अदा करो, लाख लाख शुक्र अदा करो अल्लाह का। इस औरत को कब समझ आएगी, कब इसका दिखावा खत्म होगा कि बेटों की माँ होना कोई कमाल काम नहीं है? इसको हिदायत दे मालिक, हिदायत दे इसको, ताकि इसको मेरी बात समझ में आ जाए। अरे मेरी जान, हम परसों मिल तो रहे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। स्टॉप बोल यार। नहीं नहीं कोई भी नहीं है, वो बाहर से आवाज आ रही है। अच्छा नाराज तो मत हो, मैं कह रहा हूँ मिलेंगे परसों। हाँ अच्छा ठीक। अरे क्या हो रहा है ये? वो अम्मी आराम से बोले, ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी। अच्छा अब लेकिन बेटा इतनी रात रात को जागते रहोगे तो सेहत खराब होगी तुम लोगों की। अम्मा पढ़ेंगे नहीं तो फिर अच्छे नंबर कैसे लेकर आएंगे? हाँ ये तो है। अम्मी पढ़ पढ़ के ना दिमाग खुश्क हो गया है, भूख भी लग रही है, तुझे लग रही है? हाँ लग तो रही है। कुछ बना देना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी सैंडविच और चाय लेकर आती हूँ बना के। तुम लो ऑनलाइन क्लास लो, शाबाश पढ़ो पढ़ो, देर ना करो, अभी लेकर आ। हाँ बोलो। अरे नहीं नहीं वो ऐसे ही कोई। अरे बैठो ना बैठो, क्या बात है आज नौकरी पर नहीं गए या दफ्तर वालों ने छुट्टी करा दी? आजकल नौकरियों के बड़े लाले पड़े हैं भाई, अपना बिजनेस होना चाहिए। वैसे तुम्हारा तो कोई बेटा भी नहीं है जो सहारा बने, बेटियां पड़ी हैं सर पे। हाय हाय। अभी मैंने आज छुट्टी ली है।
चलो, मैंने अभी बताया ना, नौकरियों वालों को तो लाले पड़े हैं और तुमने छुट्टी करके अपनी नौकरी को और खतरे में डाल लिया। बस भाई, हो गया काम। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पर महीने में 2 छुट्टियाँ मिलती हैं इतवार के अलावा। वाह भाई वाह, फिर तो तुम्हारे बड़े ऐश हैं। अरे भाभी, हम आपके लिए खुशी की खबर लेकर आए हैं, मिठाई लाए आपके लिए। मिठाई? ये काहे की? सबा को इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला है। चलो, बर्बाद कर दिया ना सारा पैसा। अरे भाई, कॉलेज बड़ा है तो फीस भी बड़ी होगी ना, तुम लोगों को कब अकल आएगी? क्यों बच्चियों पर इतना खर्चा कर रही हो? खर्चा करोगी और वो तो चली जाएंगी अपने घर। नहीं भाभी, हमारा तो फर्ज है बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का, वो लड़का हो या लड़की। चलो भाई, निभाते रहो तुम अपना फर्ज, बेटा तो तुम्हारा है नहीं कोई, बेटी पर ही खर्चा करते रहो, हमें क्या। अरे ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारा तो एक पैसा भी नहीं लगा। सबा ने माशाल्लाह इतने अच्छे मार्क्स लिए कि हुकूमत ने उसे स्कॉलरशिप दिया है। अरे बेटियों की पढ़ाइयों पर खर्चा उठा रही है, उसे चाहिए बेटों की पढ़ाई पर, लड़कों की पढ़ाई पर खर्चा उठाए, जिन्होंने कल को माँ बाप का सहारा बनना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अच्छी मुलाजमत करके बाप दादा का नाम रोशन करना है। लेकिन नहीं नहीं भाभी, हमारे उमेर और आमिर भी इंशाल्लाह स्कॉलरशिप लेंगे, अब इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन नहीं भाई, हम कोई फकीर नहीं है, अपने बच्चों को अपने पैसे से पढ़ाएंगे। ये सब कुछ है ही किसका, मेरे दोनों बेटों का, और क्या। देखे भाभी, अब तो लड़कियां कहाँ कहाँ नहीं काम कर रही, हर मैदान में लड़कों की शाना बशाना चल रही है, हमें तो अपनी बेटियों पर बहुत नाज है। सिर्फ नाज ना करती रहना, अपनी आंखें भी खुली रखना, जमाना बड़ा खराब है, लड़कियों के 100 बखेड़े होते हैं, नजर रखनी पड़ती है लड़कियों पर, पता नहीं पलक झपकते क्या हो जाता है। यार अम्मा ने तो सिर्फ 3,000 ही दिए, इसमें तो टिकट आएगा और बाद में पॉपकॉर्न खा सकेंगे बस। अबे तू फिक्र नहीं कर, ये देख तेरे भाई ने सुबह अम्मा के बर्थडे 3,000 रुपए निकाल दिए। मानता है? बहुत आला, अब तो हम खाना भी खा लेंगे आराम से। 12 पैसे रख अंदर। कहाँ जा रहे हैं तुम दोनों? वो सईद के घर जा रहे हैं, एग्जाम्स करीब है ना, तो सारी रात पढ़ाई करा रहा है। चलो ठीक है, जाओ। अब्बा वो अगर पैसे मिल जाते, रात को भूख लग जाएगी ना, पढ़ाई करते हैं बहुत भूख लगती है। थैंक यू अब्बा। बड़े घुमंड से कह रही थी, मेरी बेटी को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखला मिल गया। अरे मिल गया तो हमारी बला से, हमें क्या, पढ़ तो ज़कात खैरात के पैसों से रही है ना। ज़कात खैरात के पैसे जो हुकूमत जो दे रही है। क्या हो गया शमत, वो खैरात ज़कात के पैसे नहीं है, वो स्कॉलरशिप के पैसे हैं जो हुकूमत बच्चों को अच्छा पढ़ने पर उनको इनाम के तौर पर देती है। तुम अपने दिल की तसल्ली के लिए अब जो भी कह लो, पढ़ तो वो ज़कात खैरात के पैसों से रही है बस। क्या औरत है भाई ये? क्या कहा? कुछ नहीं। अरे हाँ याद आया, मिठाई भी लेकर आई थी, मैंने तो काम वाली को दे दी, मैंने कहा ये भी ज़कात खैरात के पैसों से लाई होगी, मेरे बच्चे खाएं तो खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो ना जाए। अपनी तो बस बेटियां हैं ना, हर वक्त जलती रहती है मेरे बेटों से। बस बस कर दो शमा, बस कर दो। क्यों हर वक्त अपने बेटों के राग अलापती रहती हो? अपने बेटों को तो तुमने नुमाइश के तौर पर रख दिया, हर एक से बताती रहती हो, जताती रहती हो, मेरे दो बेटे हैं, दो बेटे हैं। मैं तो कहता हूँ बाज आ जाओ इस घुमंड और दिखावे से, कब किस वक्त अल्लाह को तुम्हारी बात बुरी लग जाए। आग लग जाती है भाई और भावज को कुछ कह दूं तो। खाना लाऊं? नहीं खाना है मुझे। खाना ना खाओ भाई, रहो भूखे। यार और लाड ही नहीं खत्म होते भाई भाभी के, बच्चियों के। अरे मेरे बेटों के तो इतने रिश्ते आ रहे हैं, उनको कोई रिश्तों की कमी है क्या? लेकिन क्या करूं, मेरी नज़र में तो कोई लड़की जचती नहीं है। और वो हुस्ना है ना, हुस्ना, वो तो ऐसी पीछे पड़ गई है, जायदाद तक नाम करने को तैयार है।
लेकिन मैं उसकी मोटी भद्दी लड़की को अपनी बहू क्यों बनाऊं भला? मेरे बेटे इतने खूबसूरत, पढ़े लिखे, जवान, और फिर पैसों की भी कोई कमी नहीं है हमें। शमा, शमा। चलो बाद में बात करती हूँ। एक तो तुम्हें जलन होती, मैं अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। अच्छा, जो वो पैसे रखवाए थे वो दे दो मुझे। बच्चे गए कॉलेज? नहीं भाई, सो रहे हैं। क्या, सो रहे हैं? हाँ जाहिर है, सारी रात पढ़ते रहे बेचारे, अब आराम भी ना करें। अरे नेक बख्त औरत, पेपर था उनका आज। क्या? नहीं नहीं, अगर पेपर होते तो वो ऐसे सो थोड़ी रहे होते। उमेर, आमिर, आमिर उठ। क्या हो गया? नालायक आज पेपर था ना। कौन था पेपर? अरे नालायक, आज एग्जाम था ना तुम लोगों का। एग्जाम? एग्जाम? हाँ, वो अब था नहीं है, तकरीबन कोई 2 बजे। वो भी तो होने वाले, टाइम से चले जाना। देखा, मैं कहती थी ना, मेरे बच्चे इतने गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकते, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आती। चलो उठ जाओ, शाबाश। गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई। हाजिरी लगा के आ जाते आज। याद नहीं रहा ना यार। वैसे यार ये कब तक चलेगा? हाँ, अगर हमें अब्बू को पता चल गया कि हम कॉलेज नहीं जाते तो बहुत बुरा नहीं होगा? अरे कुछ भी नहीं होगा। मेरी एक बंदे से बात हुई थी, वो कह रहा था बीकॉम की मार्कशीट निकलवा के दे दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी ना तो अब्बा को दिखा भी देंगे। उसके तो बहुत पैसे लगेंगे। तुम भी जिंदा बात। चलिए यार, मैं सो रहा हूँ। भाई उठो, झूठा एग्जाम है। जिंदगी अजाब होगी। 10 मिनट उठा देना मुझे। ठीक है। एक और बेटी पैदा हो गई, तुमने तो बेटियों की लाइन ही लगा ली है। अरे आसिम को देखो, कैसे उसकी कमर झुकती जा रही है, कितना बोझ डालोगी उस पर। क्यों कर रही हो फजूल की बातें शमा? वो लोग खुशी की खबर लेके आए, तुम उन्हें मुबारकबाद देने के बजाय ताने दे रही हो। किस बात की मुबारकबाद? बेटी पैदा करके कौन सा तीर मार लिया इसने, वो भी तीसरी बेटी। मेरी तरह 2 होनहार बेटे पैदा करती, फिर एक बेटी पैदा होती तो चलता। भाई भाभी, हमारे लिए तो बेटियां बेटों से बढ़कर हैं, माशाल्लाह हमारे घर की रौनक है। अरे वाह, बेटों से बढ़कर कैसे हो गई? मेरे आमिर और उमेर का मुकाबला कर सकती हैं ये? मेरे बेटे अपने बाप का बाजू हैं, बाहर निकलकर काम कर सकते हैं। अरे तुम्हारी बेटियां तो बाहर निकलने के लिए भी तुम्हारी मोहताज हैं, तुम्हारा आसरा चाहिए उन्हें। शमा भाभी, जैसे आपको अपने बेटों पे नाज है, बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी बेटियों पे। माँ बाप की फरमा बरदार और अतात गुजार है माशाल्लाह से, और वो हमारे बुढ़ापे में हमें सहारा दे सके ना दे सके, लेकिन माशरे में हमें बुलंद मकाम और इज्जत जरूर दिलवाएंगे। अरे तो क्या मकसद है तुम्हारे कहने का कि मेरे बेटे फरमा बरदार नहीं है, माशरे में हमारा नाम ऊंचा नहीं करेंगे? जाओ जरा निकल कर देखो, पूछो मोहल्ले वालों से, कैसे समझदार पढ़े लिखे हैं मेरे बच्चे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़कर अपने बाप दादा का नाम रोशन करेंगे मेरे बच्चे। अपनी जबान बंद करो, जाओ जाके चाय बनाओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ चाय। भाईजान, रहने की क्या जरूरत है चाय की? तुम लोग कुछ ख्याल मत करना, शमा की जबान ऐसी ही चलती रहती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम लोगों से। नहीं भाईजान, कोई बात नहीं, हमें भाभी की तबीयत का पता है, हमने बिल्कुल बुरा नहीं माना। जी भाई, हमें तो भाभी की कोई बात बुरी नहीं लगती है, अगर वो अपने बेटों की तारीफ करके खुश होती हैं तो उन्हें होने दिया करें, इसमें क्या हर्ज है। वो तारीफ नहीं करती है, दिखावा करती है, हर एक के आगे यही बताती और जताती रहती है कि मैं 2 बेटों की माँ हूँ। मैं तो समझा समझा के थक गया कि ये तुम्हारा दिखावा जो है ना, एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। मारो, 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 मारो,
क्यों मार रहे हो आलो? क्या क्या करीब भाई? क्यों मार रहे हैं? क्या करीब? अबे बीच में मत चलो। क्यों मार रहे हो मेरे पास? उन बच्चों को तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो इन दोनों को आनी चाहिए। इन्होंने पूरे मोहल्ले का जीना दूभर कर दिया है और लड़कियों का तो घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं करीम भाई? मेरे बच्चे तो घर पर होते ही नहीं है, सारा दिन कॉलेज होते हैं, शाम में पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सा कॉलेज? अरे पूछो इनसे ये किस कॉलेज में जाते हैं। अरे करीम भाई खुल के बताओ, कहना क्या चाह रहे हो? क्या किया इन लोगों ने? क्या किया इन्होंने? सारा दिन डब्बू खेलते हैं, मोहल्ले की लड़कियों का पीछा करते हैं। अरे शर्म नहीं आती मेरे मासूम बच्चों पर इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम का तो कल पता लगेगा जब मोहल्ले वालों की कमेटी बैठेगी जो इन सब से तंग आ चुके हैं। अरे सारा दिन ये लोग बदमाशियां करते हैं और इसने आज की हरकत की पता है तुम्हें? इसने मेरी बेटी का हाथ पकड़ के घसीटा है, वो घर के बाहर वॉक कर रही थी। क्या? अरे आखिर भाई तुम्हें क्या पता? तुम तो सारा दिन दुकान में घुसे रहते हो और रात को आके घर पे सो जाते हो। और कभी गौर किया कि इनकी सरगर्मियों पे भी नजर रखूं? अरे इनका कॉलेज से 2 साल हो गए, नाम कट चुका है। ये आज मुझे मेरे बेटे ने बताया, अब ये किसी कॉलेज में नहीं है। अरे झूठ बोल रहे हैं करीम भाई आप, मेरे बच्चे तो हर रोज कॉलेज जाते हैं। हाँ। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बताना अपनी माँ को कि मैं झूठ बोलता हूँ या सच, वरना अभी जाकर पुलिस में पर्चा कटवा दूंगा, जेल हो जाएगी तुझे। बता रहा हूँ। मम्मी ये सच कह रहे हैं। जुआ, नशा, लड़कियों को तंग करना, अरे कौन सी बुरी लत है जो इन लोगों में नहीं है? अरे अपने बाप दादा का नाम रोशन कर रहे हैं ये लोग। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। चलो भाई चलो। भाई हम लोग भी चलते हैं। चलो मैं मना करता था ना शमा, मना करता था ना मैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिखावे की आदत थी। देख लिया दिखावे का नतीजा, ना खुद किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं और ना ही मुझे छोड़ा। अब भुगतो। माँ वो हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था, उन्होंने बहुत मारा हमें। माफ कर देना। सलील करवा के रख दिया पूरे मोहल्ले में, कितनी इज्जत थी। खुदा से बेटे इसलिए मांगती है मैं कि उनके बुढ़ापे का सहारा बने, उनको इज्जत दे। लेकिन इन्होंने तो मेरी किस्मत, मेरी मोहब्बत इतनी हो गई बेटों के लिए। या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे खुदाया, मुझे माफ कर दे मेरे खुदाया, मुझे माफ कर दे। कहीं का नहीं छोड़ा, या अल्लाह माफ कर दे मेरे मौला। अरे तुम दोनों से तो बेहतर था, अल्लाह मुझे 4 बेटियां दे देता, माँ बाप की इज्जत का सुकून का ख्याल करती। अल्लाह कोई बेटे ना मांगे, कोई खुदा से बेटे ना मांगे। बस नेक नसीब मांगे जाए वो बेटी हो या बेटे। अल्लाह
अल्लाह।